हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में कुछ इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग करने वाले हैं जो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, एंड इस टाइप की आप भी फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ से आपको पिकशॉट को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। तो मैंने डाउनलोड किया है एंड इसे मैं ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आएगा आपको। यहाँ पे पहला वाला जो ऑप्शन दिखेगा एडिट एंड फोटो, इस पर क्लिक कर दीजिएगा एंड जिस भी फ़ोटोज़ को आपको बनाना है ना वो फ़ोटो ले लीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम एक वाइट वाला बैकग्राउंड लेंगे। तो यहाँ पे इसको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा वाइट वाला बैकग्राउंड, यहाँ से आप ले लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में से। एंड यहाँ से मैं क्या करूँगा, फिर यहाँ पे इसको स्क्रॉल करूँगा नीचे, यहाँ पे देख लीजिए स्क्रॉल हो रहा है। एंड यहाँ पे आपको फ़ोटो ऐड पे क्लिक करना है। तो आप जैसे फ़ोटो ऐड पे क्लिक करेंगे तो सारा गैलरी में का फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, जो भी फ़ोटो आपको बनाना है उस फ़ोटो को ले लीजिएगा। तो मैं एक फ़ोटो यहाँ से ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं एक फ़ोटो ले लिया, एंड लेने के बाद कुछ इस प्रकार रख लेता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए इस प्रकार रख लिया, एंड इसका जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव करूँगा। तो यहाँ पे देखिए नीचे रिमूव बैकग्राउंड लिखा है, यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो बैकग्राउंड है वह रिमूव होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैकग्राउंड जो है रिमूव हो गया। होने के बाद आपको करना क्या होगा, थोड़ा सा इसको फुल स्क्रीन करना होगा। तो यहाँ से मैं इसको अच्छे से एडजस्ट करके कुछ इस प्रकार यहाँ पे देख लीजिए ऐसे रख लेता हूँ, ऐसे यहाँ पे रख लेता हूँ। एंड होने के बाद आपको करना क्या ना, यहाँ पे ऊपर देखिए रबर का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे आप रबर वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो आप इसको क्या कीजिएगा, ये जो हाईलाइट है इसको एकदम ज़ीरो कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको ज़ीरो कर लेता हूँ, एंड इसको अच्छे से हम यहाँ पे इतना रख लेते हैं। रखने के बाद हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा हल्का हल्का यहाँ पे मारेंगे। तो यहाँ पे आप हल्का हल्का मार दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए मैं मार रहा हूँ। तो हल्का हल्का यहाँ पे बुझाना चाहिए कि मतलब ये लग रहा है ऐसे हो रहा है। तो हल्का हल्का आप मार दीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस प्रकार से लग रहा है। तो यहाँ पे हो गया। एंड होने के बाद दोस्तों इसको करना क्या होगा, इसको अच्छे से हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। करने के बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से एडजस्ट कर लीजिएगा। करने के बाद आपको दोबारा सा आपको फ़ोटो ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो हम अच्छे से इस पर क्लिक कर देते हैं, एंड क्लिक करने के बाद यहाँ से एक और फ़ोटो ले लेते हैं। तो मैं यहाँ से एक और फ़ोटो ले लिया, एंड लेने के बाद दोस्तों ना इसको भी बैकग्राउंड जो है इसका भी रिमूव करना है। तो आप क्या कीजिएगा, सिंपली से बैकग्राउंड वाले रिमूव वाले ऑप्शन पर आ जाइएगा। तो आप रिमूव कर लीजिएगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए रिमूव हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट लगेगा। यहाँ पे देख लीजिए रिमूव हो गया। होने के बाद इसको अच्छे से एडजस्ट करना है दोस्तों ना, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ऐसे रख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से कर लिए। एंड करने के बाद आपको ना करना क्या होगा, ये जो पहला वाला फ़ोटो था यहाँ पे देख सकते हैं, जो पहला वाला फ़ोटो है इसको हम क्या करेंगे ना, जो यहाँ पे हाथ पकड़ा हुआ पहले वाला फ़ोटो पे क्लिक कीजिएगा, एंड यहाँ पे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, एंड यहाँ पे ब्लैक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए मैं ब्लैक कर लिया हूँ, आप भी ब्लैक कर लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पे अच्छे से मैं ब्लैक कर लिया हूँ कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, एंड यहाँ पे मैं डन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए डन हो गया। होने के बाद आपको ना ये जो ये वाला दूसरा वाला जो फ़ोटो आप लिए हैं इसको कैसे सेव किया जाता है सारा कुछ इसमें आपको बताने वाला हूँ। तो आप क्या कीजिएगा, अच्छे से इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिएगा कुछ इस प्रकार से, बड़ा कर यहाँ से अच्छे से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो आपको करना क्या होगा, फ़ोटो जो ऐड वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिएगा, एंड क्लिक करने के बाद यहाँ से एक और PNG ले लीजिएगा। तो मैं उसको ले लेता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए यही वाला PNG है, ये है ना, इसको हम नीचे अच्छे से एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे ये वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको नीचे रख लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे हो गया कुछ ऐसे, नीचे हो गया। होने के बाद अच्छे से इसको बड़ा कर लेते हैं, एंड यहाँ पर बड़ा करने के बाद ना ध्यान से देखिएगा यहाँ से बड़ा हो गया, एंड इसका जो है
हल्का सा कम कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे देख लीजिए हल्का सा कम हो गया। होने के बाद आपको करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट हो गया है। होने के बाद आपको यहाँ पे देखिए फ़ोटो ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे फ़ोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का लोगो दिखाई देगा, उसको आप ले लीजिएगा। यानी यहाँ से जो था ना, यहाँ पे इसको देख लीजिए स्क्रॉल करके ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर दिए हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार हो गया डार्क। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से लगा देंगे कुछ इतना, कुछ इस प्रकार देख सकते हैं। यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम अच्छे से एडजस्ट कर लिए हैं। एंड करने के बाद दोस्तों ना करना क्या होगा आपको, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे फोटो ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। एंड यहाँ पे एक लाइक उठा लीजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए मैं लाइक सब लिया हूँ। यहाँ पे लेने के बाद ना इसको भी हम क्या करेंगे, ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा। एंड यहाँ पे क्या कीजिएगा, कुछ इस प्रकार से रख लीजिएगा। तो हम देख लेते हैं कौन सा अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे डार्क वाला अच्छा है क्या। यहाँ से हम ले लेते हैं यही डार्क वाला। तो यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से एडजस्ट कर लीजिएगा। एंड करने के बाद कुछ इस प्रकार से छोटा कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए मैं यहाँ पे छोटा भी कर लिया, यहाँ से छोटा कर लिया। एंड यहाँ पे मैं इसका डुप्लीकेट कर लेता हूँ, तो इस पर क्लिक करूँगा। एंड यहाँ पे देख सकते हैं डुप्लीकेट भी हो गया है। कुछ इस प्रकार से अच्छे तरीके से आप भी सेव कर लीजिए। तो यहाँ पे देख कितना आसान तरीके से हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए मैं डुप्लीकेट कर लिया हूँ। एंड करने के बाद यहाँ पे अच्छे से हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से आप भी एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से एडजस्ट हो गया, तो कितना अच्छी तरीके से बन गया और कम समय में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ भाई अपने भाई को फुल सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से एडजस्ट हो गया। एंड यहाँ पे डन कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। तो यहाँ पे डन करने के बाद कुछ इस तरीके का हो गया। देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से, कितना खतरनाक तरीके से ये एडिट हो गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई ट्रॉफिक पे वीडियो बनाना है तो प्लीज़ कमेंट भी कर दीजिए कि हाँ भाई इस पे वीडियो बनाना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।